मोदी सरकार आज केंद्र की सत्ता में चौथे साल में प्रवेश कर गई। 3 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने शुक्रवार को गुवाहाटी में एक रैली में जनता को शुक्रिया कहा। मैं छोटा हूँ और छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करके रहूंगा, ये मेरा इरादा। 3 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने 26 मई से 15 जून तक देश भर के 900 शहरों में मोदी फेस्ट मनाने का फैसला किया है। इस मौके पर मोदी सरकार ने नया नारा भी दिया। 70 साल की आजादी में कुछ बातें जो अचीव नहीं कर पाए वो इन 3 सालों में अचीव कर पाए हैं, और इसीलिए हमने इन 3 साल के हमारे लोक संपर्क के अभियान का नारा बनाया है, साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों पर जोरदार प्रहार किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर नाकामी छिपाने के लिए लोगों को बांटने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मोदी सरकार को भाषण और आश्वासन वाली सरकार करार दिया। 3 years of मोदी गवर्नमेंट, भाषण और आश्वासन, ये है मेरा शासन। कांग्रेस ने बेरोजगारी पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की और मोदी फेस्ट पर खर्च की जा रही 2,000 करोड़ की रकम पर भी सवाल उठाए। 3 सालों से कांग्रेस के प्रगति पत्रों पर लीपा पोती से अपना नाम चढ़ाते हैं और 60 साल से कांग्रेस के विकास को कोसते जाते हैं, शायद इसीलिए वो झूठ का जश्न मनाते हैं। कांग्रेस ने देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वाराणसी में जवाब दो हिसाब दो अभियान चला तो वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए कानपुर में पोल खोल प्रदर्शनी लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम के तिनसुकिया में देश के सबसे लंबे धौला सादिया पुल का उद्घाटन किया। पीएम ने पुल का नाम मशहूर गीतकार संगीतकार भूपेन हजारिका के नाम पर करने की घोषणा की। न सिर्फ असम की जनता के लिए गर्व का विषय है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि इतना हिंदुस्तान का सबसे लंबा ब्रिज आज असम के दूसरे छोर पर बन रहा है। धौला सादिया पुल से अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच की दूरी 165 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस पुल के जरिए सेना को अरुणाचल चीन बॉर्डर पर पहुंचने में आसानी होगी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने असम के धेमाजी में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव रखी और गुवाहाटी में एम्स का शिलान्यास किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंच में शामिल होंगे। शुक्रवार को सोनिया गांधी के लंच में नीतीश शामिल नहीं हो सके थे, जिसे लेकर शुरू हुई अटकलों पर नीतीश ने सफाई दी कि पीएम मोदी के लंच में पहुंचने और सोनिया गांधी के लंच में नहीं पहुंचने का गलत मतलब निकाला जा रहा है। लोगों की पार्टी की तरफ से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी गए हैं, ये मिस इंटरप्रिटेशन। हमारे कोई व्यक्तिगत रूप से जाने न जाने की बात नहीं थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को 17 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की। इस मीटिंग का मकसद राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करना था। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक उरी सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये दोनों ही भारतीय सीमा में घुसने और भारतीय जवानों पर हमले की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों आतंकियों के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। मारे गए दोनों बैट आतंकियों के शव सीमा पर उस जगह पड़े हैं जो दोनों देशों की सीमा के बीच में यानी नो मैंस लैंड में है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। After picking up the movement, the firefight ensured 2 terrorists were eliminated by own troops. 1 मई को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। तब बैट ने बर्बरता दिखाते हुए उनके शवों को शत विशत कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना से की। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी पहली बार वाराणसी पहुंचे हैं। आज सीएम योगी पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय में जनसुनवाई करेंगे। इसके अलावा वो केंद्र सरकार के कामकाज की समीक्षा की बैठक करेंगे। सीएम योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था जल्द सुधारने का दावा किया है। घटनाएं घटित हुई हैं कुछ क्षेत्रों में, ये दुखद है, लेकिन उन घटनाओं का पर्दाफाश भी उतनी जल्दी हुआ और उतनी तत्परता के साथ उस पर अंकुश भी लगाया गया है।
केंद्र सरकार ने पूरे देश में गाय समेत सभी मवेशियों की हत्या के मकसद से खरीद फरोख्त पर बैन लगा दिया है। पर्यावरण मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक अब किसी भी मवेशी की खरीद बिक्री सिर्फ कृषि के इस्तेमाल के लिए ही हो सकती है। केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सारे पशु बाजारों के लिए जिला पशु बाजार कमेटी की इजाजत जरूरी होगी। इस कमेटी का अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होगा। पशु बाजार में मवेशी को बेचने से पहले एक हलफनामा भी देना होगा, जिसमें लिखा होगा कि मवेशी मांस कारोबार के लिए नहीं बेचा जा रहा है। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। येदियुरप्पा पर जमीन और अवैध खनन घोटाले के आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से उन्हें 2011 में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। 74 साल के येदियुरप्पा ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन 2013 के चुनाव में इसका प्रदर्शन काफी खराब रहा था, जिसके बाद येदियुरप्पा 2014 में फिर से बीजेपी में शामिल हो गए थे। 3 जून को चुनाव आयोग की ईवीएम हैक करने की चुनौती में सिर्फ शरद पवार की एनसीपी और सीपीआईएम हिस्सा लेगी, जबकि ईवीएम पर लगातार सवाल उठाने वाली आम आदमी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग ने हैकिंग के लिए शर्तें रखी हैं, जो गलत हैं। चैलेंज उनका यह है कि मशीन के सामने खड़े होइए, बिना टूल के, बिना मशीन को छुए, बिना मशीन को खोले। आप अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन कौन सा मंत्र या कौन सा जादू चाह रहा है कि हैक मशीन को टेम्पर करके दिखाइए, मशीन में बताइए गड़बड़ हुई थी। ईवीएम पर लगातार उठ रहे सवालों के बाद पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चुनौती दी थी कि वो 4 घंटे में ईवीएम हैक करके दिखाएं। अब आम आदमी पार्टी को खुला चैलेंज दिया चुनाव आयोग ने। हमने भी कहा था कि भाई अगर तुम हैक कर सकते हो तो हैक करके दिखाओ। चुनाव आयोग ने 20 मई को ऐलान किया था कि 3 जून को होने वाले ईवीएम हैकिंग चैलेंज के लिए पार्टियां 26 मई तक रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। पुणे में आज होने वाले ईपीएफओ के ट्रस्टियों की बैठक में पीएफ को लेकर अहम फैसला किए जाने की उम्मीद है। बैठक में पीएफ के लिए बेसिक सैलरी के 12% की जगह 10% ईपीएफ में जमा करने का प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। अभी कर्मचारी और उसकी कंपनी दोनों ही बेसिक सैलरी का 12-12% हिस्सा ईपीएफ में योगदान में देते हैं। सूत्रों के मुताबिक टेक होम सैलरी बढ़ाए जाने के लिए लगातार मिल रहे आवेदनों के बाद श्रम मंत्रालय की ओर से ये प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि तमाम मजदूर संघ इस प्रस्ताव को कर्मचारी विरोधी बताकर विरोध करने की तैयारी में हैं।